Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ग्रुप सी की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है और हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिस्कशन के पॉइंट्स। सबसे पहले जानेंगे हम ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर ये नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम जानेंगे इसका वैकेंसी काउंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस। और इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर हम डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है indiancoastguard.gov.in, यहां पर आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। टोटल 18 वैकेंसीज निकली हुई हैं, किस पोस्ट लिए कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, वो हम नोटिफिकेशन में चेक करेंगे। और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो देखिए, आपके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने के 30 दिन के अंदर आपको इसमें अप्लाई करना है। एज लिमिट देखिए, आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगी। कुछ पोस्टों में 18 से 27 साल एज लिमिट है, कुछ पोस्टों में 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसी तरह से जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी पोस्ट पर डिपेंड करेगी। सैलरी भी आपकी पोस्ट पर रहेगी। तीन तरह की बेसिक पे हैं, 18,000, 19,900 और 25,500। इन बेसिक पे में आपको अलाउंसेस अलग से मिलेंगे, यानी 25,500 वाली जो बेसिक पे है उसमें आपका देखिए जो है वो डीए मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में 31% का डीए का रेट है। फिर आपको एचआरए मिलता है, सिटी पर डिपेंड करता है, 27% तक आपको एचआरए मिल जाता है। तो आपकी देखिए, अगर हम बात करें डीए और एचआरए की, जोड़ के एचआरए जहां पर 27% होगा तो वहां पर सैलरी आपकी 40,000 से ऊपर हो जाएगी, 40,000 के आसपास सैलरी आपकी रहेगी। तो सैलरी काफी अच्छी रहने वाली है और सिलेक्शन जो है वो आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा। और अब एक बार नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर हेडक्वार्टर्स कोस्ट गार्ड रीजन एनी सिंथेसिस बिजनेस पार्क 6 फ्लोर सराची बिल्डिंग राजाराट न्यू टाउन कोलकाता। तो इसमें देखिए कौन कौन सी पोस्ट है। सिविलियन एमटी ड्राइवर जिसमें 19,900 बेसिक पे रहेगी, 5 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की, 1 ओबीसी की और 2 एससी कैटेगरी की वैकेंसी है। आपने 10th पास किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो और आपको मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल। उसके बाद फोर्थ लिफ्ट ऑपरेटर 19,900 बेसिक पे है, 1 वैकेंसी है इसमें आपकी। आपने रेलिवेंट ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट लिया हो और 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट हो। उसके बाद देखिए आपका एमटी फिटर एमटी मैकेनिक की 19,900 बेसिक पे है, आपने मैट्रिक पास किया हो, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो और आईटीआई का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की, 1 वैकेंसी है एससी कैटेगरी की और 1 वैकेंसी अनरिजर्व एमटी मैकेनिक की। 18 से 27 साल एज लिमिट है, 19,900 बेसिक पे है। उसके बाद फायरमैन 19,900 बेसिक पे, 3 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की, 1 है ओबीसी कैटेगरी की। आपने मैट्रिक पास किया हो और आप फिजिकली फिट हो और जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आप पूरे करते हो और 18 से 27 साल आपकी जो है वो एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद देखा आपका आता है इंजीनियर ड्राइवर, 25,500 बेसिक पे रहेगी, 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, सर्टिफिकेट हो ऑफ कंपटेंसी एज इंजीनियरिंग ड्राइवर या उसके समकक्ष और 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट है। एमटीएस में देखिए आपकी क्या वैकेंसी है, 18,000 बेसिक पे है, 1 वैकेंसी है, मैट्रिक पास हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 18 से 27 साल एज लिमिट हो। लश्कर में आपके 18,000 बेसिक पे है, 1 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए, आपने मैट्रिक पास किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो और 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट हो। तो ये आपकी सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपका सिलेक्शन क्या है, रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा। रिटन टेस्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और जिसमें आपको 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 45% मार्क्स जो है वो स्कोर करने होंगे। और ये देखिए आपके फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पर, एक बार मैं फॉर्म के फॉर्म, ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है। पोस्ट, अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, फोटोग्राफ लगानी है, रिलीजन, कैटेगरी, मेरिटल स्टेटस, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एक्सपीरियंस, करेस्पॉन्डेंस, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, ये सारी जानकारी आपको इसमें फिल करके भेजनी होगी एड्रेस पर। तो ये था इंडियन कोस्ट गार्ड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ग्रुप सी की पोस्ट लिए। टोटल 18 वैकेंसीज निकली हुई हैं और ये हमने रिक्रूटमेंट के बारे में तो बात कर ली, लेकिन जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे आपकी तैयारी उतनी बेहतर होगी। और मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं इस टेक्स्टबुक पास में। इस एक पास के अंदर आपको 420 ज्यादा एग्जाम्स लिए, 28,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं और अभी चल रही है डील ऑफ द मंथ।
यानी सिर्फ ₹299 में आपको ये टेस्ट बुक पास मिल रहा है, और अगर आप मेरा कूपन कोड YT5 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।